सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। महितपुर रतलाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। रतलाम जिले के जावरा तहसील में हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां जावरा तहसील में कुछ समय पूर्व अदम्य पेपर के पत्रकार ने नंदकिशोर महावर का एक वीडियो व खबर प्रकाशित की थी, जिसमें भाजपा के दबंग नेता ने इन्होंने अपनी कार में मास्क नहीं लगा रखा था, जिसको लेकर भाजपा नेता और सीएसपी प्रदीप सिंह राणावत की आपस में बहस हुई थी। भाजपा नेता ने पुलिस प्रशासन पर अपनी सत्ता का दबाव बनाते हुए चालान नहीं बनवाकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे, जिसको लेकर राजू मेवाड़ा पत्रकार ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। तभी भाजपा नेता ने फोन पर राजू मेवाड़ा को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। राजू मेवाड़ा ने संबंधित थाने पर शिकायत दर्ज की, बाद में FIR दर्ज कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी की। ठीक उसी बाद भाजपा नेता ने अपने सत्ता का दबाव बनाते हुए बलपूर्वक पुलिस प्रशासन से झूठा मुकदमा पत्रकार राजू मेवाड़ा पर बनवाया, जिसको लेकर सभी पत्रकार आक्रोशित हुए और संयुक्त पत्रकारों ने भाजपा नेता पर झूठा अपराध पंजीबद्ध करने के विरोध में रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी को ज्ञापन सौंपा व उचित कार्रवाई करने की मांग की है। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। राजू मेवाड़ा के खिलाफ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया है वहाँ पर जावरा थाने में, इसको लेकर के क्योंकि एक ही ज़मीन के विषय में दो बार FIR दर्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो पत्रकार मीडिया परिषद ने इस मामले को लेकर के आज SP साहब महोदय से अवगत करवाया है और कहा गया है कि आप यदि इस मामले को संज्ञान में लें और मामले की सत्यता की जाँच करें, क्योंकि इसमें फर्जी तरीके से मुकदमा है और ये किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव में आकर के मुकदमा पुलिस कायम कर रही है, ताकि ये जो भी है गलत हैं। पत्रकारों के हित के लिए हम चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए इतने कानून बने हैं, इन कानून पे अभी तक भी लागू नहीं हुए हैं और सर्कुलर भी लागू नहीं हुए, क्योंकि अभी कुछ समय विदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले को लेकर के ये सारे ताबड़तोड़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 3 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना किसी पत्रकार के साथ में अभद्र व्यवहार करने पर, और कोई पुलिस वाला अप्रत्यक्ष रूप से फर्जी तरीके से अगर मुकदमा कायम करता है तो उसके लिए भी निलंबन की कार्रवाई की गई जाएगी। ये मामले को लेकर के आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी ने भी कहा है, लेकिन इस बात का अभी तक किसी भी अधिकारी ने पालन नहीं किया है। इसमें मैंने एडिशनल SP ग्रामीण सुनील पाटीदार साहब को जांच दिया है, जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसमें सारे पहलू जो है ज्ञापन के उन सभी बिंदुओं पर जाँच किया जाएगा एडिशनल SP ग्रामीण के द्वारा, और जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर समय समय अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।